यूपी का गैंगस्टर विकास दुबे पकड़ा गया है या उसने आत्मसमर्पण किया है, ये बड़ा सवाल है। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में जिस नाटकीय अंदाज में महाकाल मंदिर के निजी सुरक्षा गार्ड ने उसे पकड़ा है, इससे जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस एक बार फिर फेल हो गया है, क्योंकि विकास के उज्जैन तक पहुंचने और पकड़े जाने तक पुलिस और खुफिया तंत्र को इसकी भनक तक नहीं लगी। महाकाल मंदिर में भी उसको चिल्लाना पड़ा, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। ऐसे में विपक्ष ने शिवराज सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी है। 2 जुलाई को कानपुर में 8 पुलिस वालों को मारने वाला कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन में पकड़ा गया है। इस खबर के बाद विकास दुबे का एक फोटो सामने आया है और यह कहा गया है कि महाकाल मंदिर से उज्जैन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विकास को पकड़ा है और उज्जैन पुलिस के बड़े अधिकारी उसे एकांत में ले जाकर पूछताछ कर रहे हैं। इसके बाद उज्जैन से भोपाल और फिर लखनऊ तक हलचलें बढ़ गईं और जिस अपराधी को यूपी पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी, जिस पर 5 लाख का इनाम था, वो बड़ी आसानी से मध्य प्रदेश में पकड़ा जाता है। गैंगस्टर विकास दुबे के पकड़े जाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पुलिस को बधाई देते हैं और इसे एक बड़ी कामयाबी बताते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है। गिरफ्तारी कैसे हुई, इसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। विकास के 2 साथियों बिट्टू और सुरेश को भी गिरफ्तार किया गया है। बर्तन में भी खून से हाथ धोने वाला बनाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत ही नाटकीय अंदाज में पकड़े गए गैंगस्टर विकास दुबे के मामले की तह में जाए तो यह बात साफ हो जाती है कि विकास अपनी इच्छा से सबके सामने आया, या यूं कहें कि उसने सबसे सुरक्षित जगह पर आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि विकास जानता था कि अगर उसका यूपी पुलिस से सामना हुआ तो उसका सीधे एनकाउंटर होगा और वह मारा जाएगा। अपने 8 साथियों की मौत से यूपी पुलिस तिलमिलाई हुई है और उसने विकास के कई साथियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह गैंगस्टर विकास दुबे के पकड़े जाने का श्रेय भले ही पुलिस को दे दें और पुलिस की पीठ थपथपाएं, लेकिन हकीकत में विकास दुबे का उज्जैन तक निर्वाण पहुंचना ही मध्य प्रदेश पुलिस के साथ इंटेलिजेंस सिस्टम की पोल खोल कर रख देता है। एक कुख्यात अपराधी तकरीबन 550 किलोमीटर का सफर कर महाकाल मंदिर तक पहुंच जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ये जाहिर करता है कि विकास के कई मददगार हमारे यहां भी हो सकते हैं, जैसे यूपी पुलिस में रहे हैं। विकास बड़ा बदमाश है तो उसका नेटवर्क भी बड़ा होगा और उसने अपने इसी बड़े नेटवर्क के जरिए आत्मसमर्पण के लिए महाकाल मंदिर को चुना। वे और उसके साथी जानते थे कि उसे वहां कोई नहीं पहचान पाएगा और उसे खुद ही बताना पड़ेगा कि वो कौन है। इस पूरे मामले की पड़ताल करें तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताजा घटनाक्रम की। उज्जैन में सुबह नियत समय पर भगवान महाकाल की भस्म आरती होती है। 7 बजे के आसपास एक गाड़ी से 3 लोग मंदिर जाने के लिए उतरते हैं और तकरीबन 8:30 बजे महाकाल मंदिर के सुरक्षा द्वार तक पहुंच जाते हैं। इनमें से एक शख्स अपना मास्क उतार कर
जूते रखता है और अपना बैग भी वहीं रखने की कोशिश करता है, लेकिन मंदिर के सेवादार वहां बैग रखने से इनकार कर देते हैं कि यहां बैग नहीं रखे जाते। तब यह शख्स वीआईपी दर्शन के लिए 250 रुपए की रसीद कटवाता है। वीआईपी एंट्री की रसीद पर सही नाम विकास दुबे लिखवाता है। इसके बाद वह महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में पहुंचता है। दर्शन के बाद विकास वहां मौजूद सुरक्षा गार्डों के पास गया और बोला कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं, मुझे पकड़ लो। महाकाल मंदिर के पुजारी आशीष ने बताया कि एनकाउंटर में मारे जाने के डर से विकास दुबे आत्मसमर्पण करना चाहता था। मंदिर परिसर में वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि वह ही विकास दुबे है। उसने महाकाल मंदिर के निजी सुरक्षा कर्मियों से कहा कि पुलिस को उसके बारे में सूचना दी जाए। विकास को पकड़ने वाले सिक्योरिटी गार्ड गोपाल सिंह ने बताया, मैंने शक होने पर उसे पूछताछ के लिए रोका तो वह आनाकानी करने लगा, तो मैंने पुलिस को बुलाया। इस पर उसने मेरे साथ झूमा झटकी की। थोड़ी देर में पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तब भी वो ये कहता रहा कि कानपुर वाला विकास दुबे हूं। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। विकास दुबे की लिखी स्क्रिप्ट पर यह पूरा ड्रामा चल रहा था। वह तय करके आया था कि उसे किस रास्ते से कहां जाना है। खबर तो यह भी है कि वो हर साल उज्जैन महाकाल के दर्शन करने आता था, इसीलिए उसे पता था कि कहां उससे पूछताछ होगी और कहां नहीं। वह जानता था कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक उसे कब क्या करना है, कहां वो सरेंडर करेगा तो उसकी जान बच जाएगी, उसके पकड़े जाने पर कब उसे कैमरे के सामने चीख कर अपना नाम बताना है। वो यह भी तय करके आया था। वह जानता था कि हर जगह सीसीटीवी और मोबाइल फोन के कैमरे उसे कैद करते रहेंगे, सो सब उसने अपने मुताबिक किया। इसे आप आत्मसमर्पण कहें या पकड़ा जाना, जो भी है, महाकाल मंदिर के निजी गार्ड इसके लिए बधाई के पात्र हैं। कैसे हम लोगों को पता चला, पहले से हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने जी, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया उसका, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया ना ये? 7 बजे के लगभग आया, कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या? नहीं, दर्शन नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारी सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए। हम लोगों ने, वो अकेले ही था जी? वो अकेले ही था जी? हाँ, वो 2-3 लोग थे, पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। कानपुर के बिकरव में हुए शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे के पकड़े जाने के बाद इस मसले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को संदेह की नजर से देख रही है और शिवराज सिंह पर सवाल खड़े कर रही है। कानपुर शूटआउट में मारे गए दिवंगत डीएसपी देवेंद्र मिश्रा के परिजन ने बड़ा आरोप लगाया है। मिश्रा के रिश्तेदार कमलकांत ने कहा कि विकास दुबे को बचाया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें बड़े स्तर पर मिलीभगत हुई है। इसके बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, यह तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए प्रायोजित सरेंडर लग रहा है। मेरी सूचना है कि मध्य प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता की वजह से यह संभव हुआ है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस मामले पर शिवराज के सिस्टम को घेरा है। पहले कल खबरें आई थी कि वो दिल्ली में है, फरीदाबाद में, फिर ये भी आई कि मध्य प्रदेश में है। हमारा तो ये कहना है कि मध्य प्रदेश इस तरह के गैंगस्टर का चारा ग्रह बन गया है और कहीं ना कहीं उसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंध उत्तर प्रदेश में भी थे, जिसकी वजह से अभी तक वो बसता रहा। और ये सामने भी बहुत से नाम आए, और दूसरे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनके संबंध रहेगा, इसीलिए उसने यहाँ आखिरी में ये मध्य प्रदेश में आया और उज्जैन आया। और ये तो मैं कहूँगा कि ये महाकाल एक का जो वो है, उनका जो प्रभाव है, उसमें अच्छे अच्छे जो है, जो सर गलत लोग जो शरण लेने जाते हैं, वो उनका यही हाल होगा। गजब का सहयोग है, कानपुर का अपराधी,
गृह मंत्री हमारे ये भी कानपुर के थे प्रभारी, और मध्य प्रदेश में पुलिस नहीं पकड़ती है, पकड़ता है महाकाल के मंदिर का गार्ड, समर्पण कर दिया उसने। मध्य प्रदेश में अपराधियों को समर्पण करने का सबसे सुरक्षित स्थान दिखता है। मैं मानता हूँ इंदौर की लूट, मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए जगह जगह सामूहिक हत्याकांड, गोली मारकर आपराधिक गतिविधियों के फूटे दिन पे दिन रोज आते हैं, बलात्कार रोज आता है, बेटियों की हर तरह की जितना कुख्यातपन अपराध का यहाँ हो सकता है रोज होता है। तो मैं मानता हूँ कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश देख रहा है, और उस पर भी मुख्यमंत्री वाहवाही लेने पे तुले हैं। उज्जैन में पकड़ा गया, मैंने देखा उनका ट्वीट, शर्म आती है मुझे कि अपराधियों ने अपने आप को सुरक्षित मध्य प्रदेश में महसूस कर रखा है। ये उत्तर प्रदेश का कुख्यात हत्यारा कानपुर से चलकर मध्य प्रदेश तक आ गया, और मध्य प्रदेश की पुलिस को भनक तक नहीं, और वो चिल्ला चिल्ला कर खुद ही कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे गिरफ्तार कर लो, और उसको जो है मंदिर के गार्ड पकड़ते हैं। ये मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए बहुत एक शर्मनाक हादसा है, और इस बात का द्योतक है कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की पूरी परिस्थितियां जो है सत्यानाश हो चुकी है। पूरी सरकार विभागों के बंटवारे में लगी हुई है, और मध्य प्रदेश जो है अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। आप जो है यही जांचने में लगे हुए हैं कि किस विभाग में कितनी मलाई है और किसको कितनी मलाई किसके हिस्से में आनी चाहिए, जिससे बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। और मध्य प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, इसकी जितना निंदा की जाए कम है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक हाँ। देख रहे हैं दखल न्यूज़।